Good morning to all of you. एक नए चैप्टर के साथ एक बार फिर आपके साथ हूँ। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस किए थे। आज हेडिंग का नाम तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन हम एनसीईआरटी के दिए हुए दोनों चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस हैं और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस भी होंगे, यानी फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग सौम्या जी, वेरी गुड मॉर्निंग अर्शी, आई थिंक टाइम हो चुका है, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शिवान्या, चलिए लगभग टाइम हो गया है, अब हम लोग शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे। इन द प्रोसेस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला ऑप्शन है ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिडक्शन डिविजन, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। सारे ऑप्शन पढ़ के आंसर बताइए। इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू वन अनदर बट नॉट देयर पेरेंट्स, देर इज नो नीड टू सर्च फॉर मेट, गैमेट मे और मे नॉट बी फ्यूज्ड। तो अब इसमें सबसे आसान तरीका है कि देयर इज नो नीड टू सर्च फॉर मेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सिंगल इंडिविजुअल से यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल से यहाँ पे काम बच्चों चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी शुड बी आंसर। क्या हो जाएगा, सी शुड बी आंसर। ठीक है, बिल्कुल बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिडक्शन डिविजन और इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर, आपको पता है, जबकि पेरेंट्स कह रहे हैं बट नॉट टू देयर पेरेंट, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, है ना। तो आपका सी आंसर जो है वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेंबर्स ऑफ विच द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी जो ऑप्शन में अभी दिखेगा आपको वो ऐसे हैं, एल्गी ब्रायोफाइटा, स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा। सेकेंड इज फंजाई एंड एल्गी, टेरिडो एनजियो एंड फंजाई एंड टेरिडोफाइट्स। इसमें किस में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, स्पेशल हों जो। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि फंजाई में और एल्गी में, फंजाई में और एल्गी में आपको ऐसा देखने को मिलता है ना, जो स्पोर्स आपने पढ़ा होगा, कोनिडिया पढ़ा होगा, है ना, और ढेर सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पे हम इसके बारे में बात कर सकते हैं ना, किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आपने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत पढ़ा है इसमें, है ना। तो बाकी सब में नहीं करेंगे, अब ब्रायो में तो उतना नहीं होता, टेरिडोजिमनो तो में तो होता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल जी सही कह रहे हैं आप, आंसर इज बी एट देयर। क्वेश्चन नंबर थ्री, जो इस 20 सवाल तक मैंने इस पैटर्न पे आज बनाया है स्लाइड को, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा लगे या कम अच्छा लगे, ये आपके क्वेश्चंस आपके सामने हैं, खुश रहिए शक्ति जी। तो जो स्पोर कोनिडिया ट्यूबर ऑफसेट या पॉलन या जायगोट फ्रॉम द स्ट्रक्चर गिवन इन द बॉक्स, हाउ मेनी आर नॉट एसोसिएटेड विद द एसेक्सुअल, ऐसे ही सवाल करते हैं। तो एसेक्सुअल से कौन सा इंटरेस्टेड नहीं है, तो एसेक्सुअल से कौन सा नहीं है, पॉलन नहीं है, और जो स्पोर है
कोनिडिया है, ट्यूबर है, एसेक्सुअल से जायगोड नहीं है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास है थ्री ऑप्शंस, टू ऑप्शन या फोर या वन। तो इसमें से हमने आंसर पहले ही कर लिया था और हमने बता दिया था कि दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो एसेक्सुअल से रिलेटेड नहीं हैं। तो आंसर इज बी एट देयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपोगल्स ऑफ पोटैटो एंड ब्रायोफिल्लम, पोटैटो एंड ब्रायोफिल्लम न्यू प्लांट अराइज फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। तो आपको मालूम है कि पोटैटो ट्यूबर और ब्रायोफिल्लम एडवेंटिसियस बर्ड है ना। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, पोटैटो ट्यूबर एंड ब्रायोफिल्लम एडवेंटिसियस बर्ड। पहला ऑप्शन एक्जिलरी बर्ड, एडवेंटिसियस बर्ड मे बी, एडवेंटिसियस बर्ड एक्जिलरी बर्ड नो, एक्जिलरी बर्ड एंड एक्जिलरी बर्ड नो, एंड लीफ बर्ड एंड एक्जिलरी बर्ड। तो आंसर इज ए एट देयर। क्या होगा आंसर? ए एट देयर। क्या आंसर होगा? ए, बिल्कुल। अब हमें ऑप्शन देख के आंसर करना है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला, जायगोड इज थिक वॉल्ड डिप्लॉयड सेक्सुअल स्पोर्स। थिक वॉल्ड बहुत तो नहीं होता है, और सेक्सुअल स्पोर होता भी है तो सेक्सुअल स्पोर नहीं कहते इसको, ये सेक्सुअल स्पोर तो नहीं है। फ्लावर आर बाइसेक्सुअल इन स्वीट पोटैटो, ओके। यूरोथ्रेक्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके। एंड नॉक्यूल इन द कारा हैज द कैप ऑफ फाइव कोरोनरी सेल्स। बिल्कुल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें पांच सेल्स होती हैं, और एल्गी के जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो वैसे तो मल्टीसेलर नहीं होते हैं, लेकिन कारा एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें मल्टीसेलर कंडीशन पाई जाती है। तो ये तीनों सेंटेंस आपके सही हैं, और ए आपका है ये गलत है। डिप्लॉयड स्पोर तो नहीं है ये, है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है दो जनरेशन के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। मैं आपको पूरा कर देता हूँ सवाल जल्दी से, आपको आदत नहीं है। ये आपके क्वेश्चन हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है किसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, किसमें फ्लैजिला होता है, किसमें वॉल्स होती हैं। तो सिक्स में एक तो ही दिया हुआ है, दूसरा कोनिडिया। अब आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइए। सिक्स, सिक्स में क्या आंसर होगा? तो सिक्स में सिर्फ एक आंसर है जो सही लग रहा है, बाकी सब गलत हैं। जू स्पोर थिक वॉल्ड नहीं होता, कोनिडिया यूनिसेलर होता है और इसमें अब्सेंट होता है फ्लैजिला और थिन होता है, ये ठीक है। गैमीट में यूनिसेलर होता है लेकिन थिक नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर सही लग रहा है, और वो है सिर्फ डी, है ना। क्या है? सिर्फ डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, चलिए सेवन का आंसर बता दीजिए जल्दी से। चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके। कंडीशंस की अगर बात करें तो ध्यान रखना किसके लिए। तो अगर कंडीशन, पहले सवाल तो यह है कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो कंडीशन फेवरेबल होगी यहाँ पे, अनफेवरेबल होगी। अकरेंस मोर होगा यहाँ पे, लेस होगा। स्पोर यस, गैमेट। मियोसिस माइटोसिस के डिवीजन की बात हम बहुत नहीं करते क्योंकि हम मियोसिस होने से रहा। तो ए बी सी, ए बी सी इज द राइट आंसर एट दियर। सी आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल मेल गैमेट। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा ऐसा प्लांट है जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है? नॉन मोटाइल मेल गैमेट बच्चों, नॉन मोटाइल मेल गैमेट। तो देखिए यूलोथ्रिक्स ये मेंसिया नहीं है, ये मैंने बाद में सही भी किया फिर भी ये गलत रह गया। ये मार्किंसिया है, और ये इसका एआरसी इसमें चला गया, और ये पाइनस है। ठीक है, आंसर कर दो। यूलोथ्रिक्स मार्किंसिया, स्टेवेलेंथस कुंथियाना कारा, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, या मैंगीफेरा पाइनस। तो आंसर चाहिए होगा एट का। तो आपको सबको पता है नॉन मोटाइल मोइल गैमेट कहाँ मिलेगा हमें, तो मैंगीफेरा में मिलेगा और पाइनस में मिलेगा। इसमें तो नॉन मोटाइल, यूरोथ्रिक्स में मोटाइल होता है ना। तो आंसर इज डी एट देयर। क्या होगा आंसर? डी होगा बच्चों, एट का डी आंसर होगा। मैंगीफेरा आम है और पाइनस में भी नहीं होता है ना। नो, सी नहीं होगा, रॉन्ग, डी आंसर होगा। खुश रहिए, खुश रहिए भैया अनुभव जी, खुश रहिए। नाइन, चलिए फ्लैसी बर्ड्स इन एक्वाटिक प्लांट आर नोन एज फ्लैसी बर्ड्स।
ये सवाल एनसीईआरटी के बाहर का है, फ्लैसी बर्ड्स पूछ रहे हैं एक्वाटिक प्लांट्स में, तो बल्बिल में तो छोड़ दीजिएगा, ऑप्सेट में भी ऐसा नहीं है, और दूसरे में अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो ऑप्सेट में भी ऐसा नहीं है, टोरियंस में होता है एक्चुअल में, है ना, और ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा होता है, नहीं ऑप्सेट मत करो, और ये अट्रिकुलरिया एक प्लांट है उसमें ऐसा देखा गया है, ये एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, अट्रिकुलरिया उसमें आपको ऐसा मिल जाएगा, है ना, तो सी आंसर करो, यहाँ पे बर्ड नहीं होता ना एक्चुअल में, ऐसे मत करो, फ्लैसी बहुत नहीं है, तो सी आंसर कर लो, अच्छा सवाल है ये, हाँ कर लो। हाँ शेफ, इट इज़ रिंग्ड बट सेल्फ मोटाइल नहीं होता वो, लॉल, है ना, सेल्फ मोटाइल नहीं होता, यूलेथ्रिक्स में मोटिलिटी होती है मुझे जहाँ तक याद है ना, एक बार आप देख लो, ऐसे मोटिलिटी होती है। एक सवाल जो हमने बहुत फोकस करते हैं हम लोग क्लास में कि क्लियर कट डिवीजन या क्लियर कट डिस्टिंक्शन किस में नहीं होगा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एसेंसेशन, तो एनुअल में और बाइनियल में, एनुअल और बाइनियल में क्लियर कट आपको दिखेगा, है ना, पेरिनियल में नहीं दिखेगा, पेरिनियल में तो नहीं दिखेगा, तो सी में दिखेगा, पेरिनियल में नहीं दिखेगा, है ना, तो क्लियर कट रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव एंड सेनेसेंट तीनों स्टेज जो आपको है वो बहुत अच्छे से दिख जाती है आपको, है ना, तो याद रखना और आंसर करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11, इन फ्यू फंजाई द मोस्ट ऑफ द एल्गी, इन फ्यू फंजाई द मोस्ट ऑफ द एल्गी, देखिए मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या होते हैं, दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, मोस्ट ऑफ द एल्गी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो 11 में आप क्या करेंगे, बोथ आर मोटाइल, यस, तो मेल गैमिट मोटाइल मोस्टली एंड फीमेल गैमिट आल्सो मोटाइल, तो आंसर इज ए एट देयर। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ एप्पल, अगर आप एप्पल की बात करें, अगर आप एप्पल की बात करें तो एप्पल में 34 क्रोमोसोम्स होते हैं 2n में, ठीक है, कह रहे मेगास्पोरोसाइट में कितने होंगे, तो बिल्कुल 2n है, होंगे ही होंगे, माइक्रोस्पोर में 17 होंगे, पेन में 3n होगा तो 51 होंगे, यही आंसर हो जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ मैन्युफैक्चर्ड हैं, बनाए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन हैं, तो आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो है उनको फोकस करना है क्योंकि मिक्स है दोनों पेपर ये, ठीक है, मिक्स है। आइए अगला पेपर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन एंड डिवीजन इन जायगोट फॉर ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कोई एक बंदा है जो, कोई एक प्लांट है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कह रहे हैं डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, पहली बात तो वो गैमिट फॉर्मेशन में क्या करेगा, जाहिर सी बात है मियोसिस के बारे में सोचेगा गैमिट फॉर्मेशन में, और डिवीजन इन जायगोट माइटोसिस कराएगा, है ना, तो मियोसिस एंड मियोसिस नहीं, नहीं गलत है ये, मियोसिस एंड माइटोसिस, तो आंसर इज डी एट देयर। अनुभव क्या कहना चाह रहे हो, बात समझ नहीं आई, थोड़ा क्लियर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। 14, में आइए, विच द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओनली, कौन सा है जो सिर्फ इंटरनल करेगा, तो एल्गी तो नहीं करेगा, ब्रायो करेगा, टेरिडो करेगा, फंजाई भी नहीं करेगा, ये दोनों आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे लोग ब्रायो में गलती करते हैं क्योंकि पानी में पाया जाता है, तो लोग उनको लगता है कि
भैया कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 फिर से बता दीजिए. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड डिवीजन इन जायगोट फॉर ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. भाई साहब, कोई एक इंडिविजुअल है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है जिसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी एन स्टेज में है. गैमीट फॉर्मेशन, इस पर सिंपल सा सवाल, इसमें भी आप लोग इतना पूछते हो, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कौन सा डिवीजन करेगा? तो गैमीट में तो मियोसिस करेगा, वो जायगोट जो भी सिंपली वो जायगोट बना लेगा, मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन कर लेगा. तो अच्छा, इसलिए आप पूछ रहे थे. एक मिनट, इस सवाल पर रुकिए ज़रा, एक मिनट, एक सवाल पर रुकिए. और इसमें एक इशू है थोड़ा 13 में. भैया ने एकदम सही बोला है. यहाँ पे देखिए, हम लोग गलती से कुछ और बोल गए. रुक जाओ एक सेकंड बेटा. अगर बॉडी हैप्लॉन्टिक है ना डॉक्टर साहब, अगर बॉडी हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक में जब हम गैमीट के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वो माइटोसिस से करेंगे. प्लीज़ एक बार क्लियर करो. और जायगोट में जब डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें मियोसिस करेंगे. इसको करेक्ट करो, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो सकता है. सी आंसर होगा. एक बार फिर से इसको क्लियर कर लो क्वेश्चन को, है ना. एक सेकंड रुको, मैं इसको सही कर देता हूँ. एक सेकंड, जस्ट वेट. अब इसको देख लो भैया और इसको अच्छे से कर भी लो. ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सी होगा, बिल्कुल सी होगा. सी कर लो इसमें, ठीक है, सी कर लो. क्योंकि बॉडी हैप्लॉन्टिक है, ध्यान रखना, एप्लॉन्टिक बॉडी है, तो फिर वो कहाँ से मियोसिस कर पाएगा बॉडी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, है ना. तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऐसे सवाल स्लिप कर जाते हैं, तो स्लिप ना करो. बहुत थैंक यू अनुभव. नेक्स्ट 14 पे आइए. इस पे हम लोगों ने कर लिया पीछे, तो इसमें बी एंड सी आंसर, आंसर इज ए, है ना. चलिए 15. विच द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी शोन बाई स्ट्रक्चर विच इज वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. कह रहे हैं कि कैन नॉट बी शोन बाई ए स्ट्रक्चर जो कि दो जनरेशन के बीच में पाया जा रहा है. ये कौन है दो जनरेशन के बीच में पाया जाने वाला? जायगोट. कौन है? जायगोट है. ये थिक वॉल्ड हो सकता है, बिल्कुल. ये मल्टी सेल्ड नहीं हो सकता. इसमें एक सेट क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, इसमें दो सेट क्रोमोसोम पाया जाता है. तो ये दो पॉइंट तो आपके गलत हो गए. ये मियोसाइट हो सकता है, नो डाउट. ये रेस्टिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल आराम कर सकता है. तो ए डी ई हो सकता है, लेकिन बी और सी कभी नहीं हो सकता. तो आंसर इज सी एट देयर. आंसर इज सी एट देयर 15 का. चलिए 16 में आइए. ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन सो रिडक्शन इन नंबर ऑफ गैमेट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ गैमेट. देखिए, अगर आपसे बात कर रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर वो शो कर रहा है तो इसका सेंस क्या बनेगा, बताना जरा जल्दी से. चलिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में रिडक्शन इन नंबर ऑफ गैमेट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ गैमेट, किस कौन सा? देखिए, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ हम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो मेल है, अनुभव शुक्ला जी आपने गलत आंसर किया है 15 में, ध्यान रखिएगा, जो मेल गैमेट है इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ेगी या घटेगी? आंसर जल्दी से 16 में, जल्दी से आंसर. बिल्कुल सी आंसर आ चुका है, ग्रेट. तो याद रखना, गैमीट की संख्या जो मेल वाली है वो बढ़ जाएगी और जो फीमेल वाली है वो घट जाएगी. तो सी आंसर है. तो रिडक्शन इन फीमेल एंड इंक्रीज इन मेल. एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा. टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्यूचर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ग्रुप. आपके पास ग्रुप्स दिए गए हैं. एम्ब्रियो है उसमें गैमीट और एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रहे हैं. ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, होमोगैमिट होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं. तो ये गलत हो गया. टेरिडोफाइटा एम्ब्रियो, होमोगैमिट, ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली यहाँ नहीं मिलते हैं. यूलोथ्रिक्स एम्ब्रियो ऑब्सेंट होता है, होमोगैमिट होता है और प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल स्पोर. तो सी आंसर आपका सही है. और जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो होता है, तो ये गलत हो गया. तो 17 का सी आंसर अब नहीं हो सकता. नेक्स्ट, चलिए बैक करके बाद में देख लीजिएगा. बार बार बैक करेंगे तो टाइम का इश्यू हो जाएगा अनुभव जी. उसमें पूछा गया है, मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, 16 में आपसे पूछा गया है कि
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट का, या सिंपली पूछ रहे हैं क्या घटेगा और क्या बढ़ेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट बढ़ जाता है और फीमेल गैमीट की संख्या घट जाती है, यही सवाल आपसे पूछा गया। 18, सिंक्रोनी बिटवीन द मैच्योरिटी ऑफ द सेक्सेस एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट इज शोन बाय सिंक्रोनी। अब सिंक्रोनी का क्या मतलब है, जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे होंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी में होता है, और अगर मोस्ट ऑफ द एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट, और ये साथ साथ आएंगे तभी हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, 19 ये आपको दिख रहा है प्लांट, चूज अ करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन विलो थैलस, 19 नंबर में आंसर बताइए जल्दी से। इसका डी आंसर है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, आपको आइडिया होना चाहिए। 20 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ व्हीट, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, इंटरफ्लोरिंग, गैप, सेनेसेंस, नो कुछ नहीं, सिर्फ जे आर एंड एस, तीन फेजेस, जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट है ना, जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव सेनेसेंट, सी आंसर। 21, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कोरिलेटेड विद देयर साइज, लाइफ साइक जो स्पैन होता है ऑर्गेनिज्म का वो साइज से कोरिलेट नहीं करता, डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज सर्टेन, यस, द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, नो, when offspring is produced by single parent with a without involvement of gamete formation is called asexual reproduction, theek hai, to second and fourth are correct, answer is b, no sorry, second fourth answer is d, kya hoga answer, answer is d, 21 mein answer ho jayega d, 21 चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22, ए पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम बेयरिंग बर्ड्स फ्रॉम ए न्यू प्लांट, बेयरिंग बर्ड्स फ्रॉम ए न्यू प्लांट, आंसर बताइए जल्दी से इसका। 22, इसके आंसर्स के पीछे बहुत मत पड़िएगा, नहीं हो सकता यहाँ पे, और स्टेम नहीं है, राइजोम की वजह से ये गलत हो जाएगा, और आंसर किया है अनुभव शुक्ला ने, शक्ति एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, आप चेक करो ना, एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी है, विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ये लाइन एनसीईआरटी की है, मेरी गलती नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन, देखिए यहाँ पे बी आंसर होगा 22 में, और आप चाहें तो इस सवाल को लेफ्ट आउट कर सकते हैं, कहीं पे सवाल दिया हुआ था तो मैंने दे दिया, नार्सिसस ग्लैडियोलस एंड फ्रीजिया, ये सवाल आप कह सकते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा। 23, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है 23 में। अब देखिए आप पुराने में जब आप पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ते हैं, लेयरिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, लेयरिंग में बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो ये सब पुराने
Anubhav Shukla ji, only solve the question, nothing more than that, please. And please cooperate with me. Discussion baad mein kar lena. Aisi language nahi, please. Stem cutting is a common horticulture method of the plant propagation. In trench layering, the vessel branch may be packed at several places in soil at regular intervals. देखिए लेयरिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में. ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और बहुत सी आप लेयरिंग पढ़ते हैं, ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं. ऐसा नहीं कि बाहर से आ गया है, किसी विदेश से है ना. ये आपके एग्जाम का सवाल है और आसान क्वेश्चन है ये. और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको ये बता दें कि लेयरिंग आसान है, पूछा जाता है उसमें क्या करते हैं कोई पार्ट को. इट्स ओके अनुभव, ठीक है. तो लेयरिंग एंड वेसल ब्रांच में पैक्ड एट द सेवरल प्लेसेस, किसी जगह पे कर देते हैं, रेगुलर इंटरवल पे नहीं करते, किसी जगह पे लाके कर देते हैं, फिर वहाँ से कर लेते हैं. और भी चीज़ें हैं जिसमें आप ग्राफ्टिंग पढ़ते हैं, जिसमें स्क्यन एर या श्यन और स्टॉक बोलते हैं, जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो इन पे आप इसको इग्नोर ना करें. जैसे स्टॉक्स हैं, ये अर्थ क्लास का सवाल है, आपको लग रहा होगा अब नया है कोई, ये अर्थ सेवन्थ अर्थ में पूछा जाता है. तो स्टॉक क्या है, जो रूटेड पार्ट होता है ज़मीन के अंदर जब हम जोड़ते हैं दो प्लांट को, और शन क्या है, ये अपर पार्ट होता है, ये स्टेम, और दोनों स्टेम ही होते हैं ये ना. तो ये ठीक है कि स्टॉक हैज अ लार्ज डायमीटर देन द स्क्यून, ये रूटेड पार्ट होता है, ये अपर वाला होता है. तो ग्राफ्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं. गोटी काफी पुराना है तो बस आंसर देख लेना, इतने से आपका काम चल जाएगा. गलत है वो पहले भी वाला. अब देखिए अगला सवाल, इन ग्राफ्टिंग मेथड कैन बी यूज, ये उसमें होता है जिसमें कैम्बियम पाया जाता है ना. तो ग्राफ्टिंग वहीं पे हो सकता है क्योंकि तभी आपस में जुड़ पाएंगे, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है. ऑल ट्रैक्योफाइट्स ओनली जिम्नोस्पर्म इन कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टीलिक प्लांट. अब यूस्टील और डिफ्नोस्टील, सेफ्नोस्टील, ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, क्रिएशन में है, बट अब चूंकि सवाल था तो मैंने उसको हटाया नहीं जानबूझ के. मान लीजिए कभी कोई सवाल आप कर ही रहे हो इतना समय देखें, तो कम से कम कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ आ जाए. तो बस इतना सा ही उद्देश्य है, बाकी कोई बात नहीं है. अब और क्वेश्चन नहीं है बाहर के. एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी ई एंड विलो द सेलेक्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन. आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन छांटना है. अब देखिए ये एक अच्छा सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना है. आपको बताना है अफजल जी, आइए, मोस्ट वेलकम, कि कौन सा इसमें फीमेल स्ट्रक्चर है. तो ये देखिए, ये ए वाला जो है अपर है और ये फीमेल है ना बाबू, ये फीमेल है. यहाँ पे डी वाला, ये फीमेल है. यहाँ पे मैं बोलता हूँ अक्सर कि जो ज़्यादा खूबसूरत है ये वाला, ये फीमेल है. तो अब देखिए क्या करेंगे, ए ए डी एंड ई, ए डी ई, 25 का आंसर हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, 25 का डी आंसर हो जाएगा. 26 पे आइए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड विद अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बेहतर लग रहा है ये 26 में, ये बेहतर लग रहा है. 26 का फर्स्ट है, कोनिडिया बट गेम्यूल आर कॉमन सेक्सुअल स्पोर. नहीं बच्चों, ये ए सेक्सुअल स्पोर है. रनर राइजोम सकर ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर वेजरेड प्रोपोगल्स. तो वन भी सही है, थर्ड भी सही है. इनवेजिव वीट फाउंड ग्रोइंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इन जोस्टरा. जी नहीं, मेराइन है ये. ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे, वन एंड थर्ड आर करेक्ट, वन एंड थर्ड आर करेक्ट. सभी लोगों ने अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है ना, जिससे कि जो लोग भी भूल गए हों आ जाएं. और सेशन को एक बार भैया लाइक भी कर लीजिए, आप लोग करते नहीं है, भूल जाते हैं. पढ़ाई में इतना मगन है आजकल, 13 को एग्ज़ाम है, इतना ज़्यादा बिल्कुल आत्मसात कर ले रहे हैं एग्ज़ाम को आप लोग, है ना. बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है देख के. चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल एंड ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरमेंट इज एक्सपोज टू. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, बहुत बढ़िया सवाल है ये. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. ऑर्गेनिज्म हैज एन एनवायरमेंट एंड इट्स एक्सपोज्ड. जो आगे का डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, आगे के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है, है ना. कह रहे हैं कि कुछ ऑप्शन हैं उनको बताइए. जायगोट फॉर्म्स मल्टी सेलर डिप्लॉयड जनरेशन इन हैप्लॉन्टिक. कभी नहीं, गलत है. डिप्लॉयड में जायगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड जनरेशन इन डिप्लॉन्टिक. भैया अगर मियोसिस करेगा तो डिप्लॉन्टिक बनाएगा, फिर तो हैप्लॉन्टिक बनाएगा. जायगोट फॉर्म्स न्यू जनरेशन बाई माइटोसिस एंड रिप्रेजेंट्स बाई फ्यू सेल्स. हैप्लोडिप्लॉन्टिक. जी नहीं. तो आंसर इज सिंपल एंड सिंपल एंड सिंपल, ए थिक वॉल्ड जायगोट हैप्लॉयड लाइफ साइकिल. और
आगे ये क्या करेगा, यही तो आगे बनाएगा। तो थिक वॉल्ड जायगोट है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात आप यहाँ कर सकते हैं। 27 में और आंसर क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बाकी सारे गलत हैं, विद रीजन आपके सामने बता दिया गया है, तो और ऑप्शंस तो कोई मतलब नहीं है। 28 में ये द वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वन जनरेशन नेक्स्ट एक्सेप्ट, कौन सा? तो जाइगोस्पोर हो सकता है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ओस्पोर बिल्कुल हो सकता है, जाइगोट होता ही है, ओस्फियर नहीं है, एक्चुअल में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो ये नहीं हो सकते, है ना, डी आंसर नहीं हो सकता, और बाकी सब करेंगे। 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, छांटना है कि करेक्ट कौन सा है। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट सो क्लियर कट, एनुअल एंड बाइनियल क्लियर कट रिप्रोडक्टिव सेनेसन, यहाँ पे याद रखना डॉक्टर साहब पेरिनियल वाला नहीं करता, तो हमारा ये सही हो गया। बाम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ साइकिल 50 से 100 साल में, बिल्कुल। स्टोवेलेंथस कुंथियाना इज अ मोनोकार्पिक प्लांट व्हिच अकर्स ओनली वंस इन द 6 ईयर नहीं 12 ईयर, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए 1 and 2 are correct, यानी सी इज द राइट आंसर, 29 में सी होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर, गैमीट्स आर द ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी, गैमीट्स जो है वो हमेशा किससे प्रोड्यूस होता है, डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 30 का आंसर बता दीजिएगा, चंद्रिका प्रसाद जी कौन है ये, ओनली सॉल्व द क्वेश्चन और कोई कमेंट ना करें आंसर के अलावा प्लीज। गैमिट्स आर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी, मियोसाइट्स आर स्पोरोसाइट्स इन द ऑल, आंसर बताइए 30 का, आसान सवाल है। स्पोरोसाइट्स कह सकते हैं आप, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स आर द डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी, तो आंसर चाहिए होगा जल्दी से बता दीजिएगा। 30 का आंसर, 30 का आंसर आ गया है बी आंसर, और जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट हैव द डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी एंड इन सीड प्लांट पॉलन ग्लैंड कैरियर ऑफ मेल गैमेट, तो मुझे तो 30 का बी सही लग रहा है और आपको भी सही लग रहा होगा, ठीक है। चलिए 31, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन नॉट बैड, ठीक है, और इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉयटिक, ठीक है। चलिए 31, फर्स्ट और सेकंड तो सही लग रहा है, फर्स्ट सही लग रहा है। इन ऑर्गेनिज्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड बाय मियोटिक सेल डिवीजन, डिप्लॉन्टिक में मियोटिक की क्या जरूरत है भैया, इसको अच्छे से पढ़िए नहीं तो दिक्कत होगी। पेरिकार्प डेवलप फ्रॉम इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल, पेरिकार्प नो, नहीं, ओब्यूल से तो सीड बन का कवरिंग बनेगा ना, तो ये गलत हो गया और आपका ये भी गलत हो गया। ब्रिंजल सेपल्स रिटेन, बिल्कुल ब्रिंजल जो है वो सेपल्स को रिटेन रखता, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, डी आंसर। द प्रोजेनिटर द नेक्स्ट जनरेशन द मैच्योर सीड इज, प्रोजेनिटर गैमीट नो, स्पोर नो, ओ स्पोर, ओ स्पोर 32 का। इम्ब्रियो बहुत अच्छा प्रोजेनिटर हो सकता है भाई, यही तो बनाएगा सब कुछ भाई। इम्ब्रियो जब आप देखेंगे तो इम्ब्रियो में आपके पास क्या होगा, एक आपके पास होता है कॉटिलेडन और एक आपके पास होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या होता है इम्ब्रियोनल एक्सिस, और इम्ब्रियोनल एक्सिस में आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक प्लोम्यूल होता है और दूसरा रेडिकल होता है। प्लोम्यूल से आप सूट सिस्टम बनाते हो और रेडिकल से रूट सिस्टम बनाते हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है। और इम्ब्रियो कहाँ मिलता है आपको, सीड के अंदर, अगर आप सीड कोट हटा दो तो आपको जो अंदर दिखेगा वो क्या दिखेगा, सीड कोट के अंदर इम्ब्रियो दिखता है और इम्ब्रियो के पास कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो याद रखिएगा। आगे लाइए, ये सवाल एनसीईआरटी का के डायग्राम से है और इसको जरा देखिएगा ध्यान से कि एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी, है ना, एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी, डी सी ए बी सबके नाम बता रहे हैं। तो आप 33 में एनसीईआरटी में बना हुआ है, 33 में अगर आप सी देखेंगे डॉक्टर साहब तो ये नोड है, क्या ये नोड है। अगर आप ए देखेंगे तो ये बर्ड लिखा हुआ है
और अगर आप इसको देखेंगे तो एडवेंटिशियस रूट लिखा हुआ है, तो ए बर्ड, ए बर्ड, तो अब दो ऑप्शन तो हमारे कट गए ए बर्ड में, ठीक है बच्चों, एक ये कट गया, एक ये कट गया, बी एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, सी नोट, सी नोट, अब हमारे पास आंसर आ गया और आंसर इज ओनली द सी बच्चों, क्या होगा सी आंसर। एक अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से है, तो प्लीज इसको देख जरूर लीजिएगा, और इसको शायद लीफ बोलते हैं ना, डी वाले को लीफ बोलते हैं, ठीक है कर लेना इसको। फ्रॉम द गिवन कैटेगरी ऑफ द बर्ड चूज टू द वन विच इज प्रेजेंट ऑन द टोमेटो ट्यूबर, नोडल बर्ड, पोटैटो ट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं, नोडल बर्ड यस हो सकता है, अभी पीछे हमने बात किया, एडवेंटिशियस बर्ड, नोडल बर्ड एंड एडवेंटिशियस बर्ड, नहीं एक्जिलरी बर्ड करो ना, नोडल बर्ड एंड एक्जिलरी बर्ड, तो आंसर इज बी एट देयर, क्या होगा आंसर नोडल बर्ड एंड एक्जिलरी बर्ड, ठीक है बच्चों। अच्छा सवाल है ये भी, पीछे वाले सवाल से ही कोरिलेट किया है इस सवाल को। 35, व्हाट इज द कैरियर ऑफ मेल गैमेट इन द पाइनस मार्केंसिया मैंगो कारा फ्यूनरिया, पाइनस में, अच्छा ए अगर पॉलन है, पॉलन ट्यूब है, और बी एच टू ओ है, तो किस में क्या होगा, तो ए में, पाइनस में क्या होगा ए, मार्केंसिया में क्या होगा बी, मैंगो में क्या होगा ए, कारा में क्या होगा बी, फ्यूनरिया में क्या होगा बी, तो ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, आंसर इज बी। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये तो आपके पहले चैप्टर्स के क्वेश्चंस हो गए, अब आइए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफरेंस टू द जीनोकैमी, रैपनिंग ऑफ एंड्रोसियम अर्लियर टू द गाइनोसियम, 36 में आपसे पूछा है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, अगर आपसे जीनोगैमी पूछा गया है तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, सिंपल फंडा, तो पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट द डिफरेंट प्लांट बट ऑफ द सेम स्पीसीज, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सेम प्लांट और सेम फ्लावर हो तो फिर ऑटोगैमी, और अगर सेम प्लांट हो और डिफरेंट फ्लावर हो तो जीनोगैमी, तो याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन। चलिए 37 में आइए, जीनिया रिफर्स टू, जीनिया रिफर्स टू, अब ये एक सवाल आपको एडिशनली याद ही करना पड़ेगा, जीनिया एंड मेटाजीनिया है ना, तो एक क्वेश्चन है इस पे, ये पढ़ लीजिए, जीनिया रिफर्स टू इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म पे जो पॉलन का इफेक्ट होता है उसे जीनिया कहते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस ये याद जरूर रखना, इसको लेफ्ट मत करना। अगला 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर सिचुएटेड ऑन द सेम प्लांट, अगर 38 में हम देखें तो ये एक प्रकार का हो सकता है, जीटिनोगैमी हो सकता है, द पॉलन ग्रेन आर द ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ये जीनोगैमी हो जाएगा हमारा, द पॉलन ग्रेन ऑफ द मेल फ्लावर आर द ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, 38 में ये तो पॉलन अक्रॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन है, द पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये कभी नहीं हो सकता, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकता, ये ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू क्रॉस पॉलिनेशन इन द एंजियोस्पर्म, क्या सही है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, इट रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, 39 में, देखिए जाहिर सी बात है लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन चाहिए ही चाहिए होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि बाहर निकल के काम करना है इनको, एक बेस्ट एफर्ट करना है, और बाहर निकलने से बहुत सी चीज़ों का नुकसान भी होगा, तो ये तो सही है, इट कैन फेल अकर्स ड्यू टू द डिस्टेंस बैरियर, ऐसा कुछ नहीं है, इट अकर्स ओनली इन यूनिसेक्सुअल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिंपली ए आंसर होगा। अच्छा सवाल है ये, 40, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है सर, दो मेल गैमीट आपको मिलेगा है ना, दो मेल गैमीट आपको मिलेगा, एक आपका मेल गैमीट जाके फ्यूज करेगा एग के साथ, और दूसरा मेल गैमीट आपका फ्यूज करेगा जाके किसके साथ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय द टू मेल गैमीट, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ वन एग विद द सेंट्रल सेल बाय द टू स्पर्म ब्रॉट बाय द डिफरेंट पॉलन ट्यूब, 40 में अगर आप बात करें, बट अगला डी ऑप्शन पढ़िएगा अच्छा लगेगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द सेंट्रल सेल बाय द टू स्पर्म ब्रॉट बाय द सेम पॉलन ट्यूब, यहाँ लिखा है डिफरेंट पॉलन ट्यूब, देख कितने बदमाश हैं लोग, तो डिफरेंट पॉलन ट्यूब से तो आपका काम चलने वाला है नहीं, आपका काम किससे चलेगा, सेम पॉलन ट्यूब से चलेगा,
तो सी आंसर नहीं हो सकता। चल अफजल अनुभव जी सी ना करिए, डी करिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉलन ट्यूब लिखा है। अनुभव जी एक बार देख लीजिए, और डिफरेंट से काम चलने वाला नहीं है, सेम होना चाहिए बच्चों। तो जब सेम रहेगा तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए। चलिए, एक लोगों को किसी को वीडियो अपना पसंद नहीं आया और उन्होंने आपके वीडियो को डिसलाइक कर दिया और चले गए। थैंक यू सो मच फॉर डिसलाइकिंग अस, वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ इन फ्यूचर। दीज प्रोसेसेस आर नेसेसरी। ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है जो आपको डीमोटिवेट करें, जो आपको डिसलाइक करें, जो आपको पसंद ना करें। यही वो लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप और आगे बढ़ें और मेहनत करें, है ना। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को थैंक यू कहना बनता है, क्यों भाई, बनता है ना, बिल्कुल बनता है। चलिए 41, दीज प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन मदर सेल। तो बताइए जरा इसका आंसर जल्दी से 41 का बच्चों। शक्ति और राइट, मे बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई कांट से मोर बट कुछ भी हो सकता है। चलिए 41 में आंसर बताइए। राइट, डीमोटिवेशन इज अनदर वे ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल नॉट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नाइस वन। चलिए 41 में आंसर देखिए, कुछ लोगों ने बी आंसर कर दिया। अरे ना ना ना, बी नहीं करना महाराज, कुछ लोग तो और आगे चले गए, सी कर दिया। एक बार मियोसिस कराओ भैया और दो बार माइटोसिस कराओ, ठीक है, एक बार मियोसिस करा लो और दो बार माइटोसिस करा लो, बस, है ना। तो वन मियोटिक एंड टू माइटोटिक, गुरुजी बस इतना होता है सिर्फ, बस याद करो, एक मियोसिस दो माइटोसिस, सिंपल सवाल है। इसमें भी गलत कर रहे हो ना, ऐसा मत करो, इसमें गलत ना करो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अगले पे आइए, अगले पे आइए सर जी। मीजोगैमी क्या होता है? मीजोगैमी इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ फिजियोलॉजिकली सिमिलर एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। 42, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू द इंट्यूगमेंट, बिल्कुल सही, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, क्या बोलते हैं अफजल, बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी कोई बात समझ में नहीं आई। मोह माया है, कौन सी मोह और कौन सी माया, सवाल करो यार, काहे की मोह काहे की माया, है ना। चलिए 43, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें ऑटोगैमी के बारे में तो आप भूल जाइए, ऑटोगैमी तो उसमें होने से रही, लेकिन ऑटोगैमी तो नहीं होगी, लेकिन उसी प्लांट पे रहने वाला दूसरा फ्लावर आके उसे पॉलिनेट कर सकता है। तो आंसर ए हो जाएगा, ऑटोगैमी बट नॉट जीटिनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट जीटिनोगैमी, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा 43 का ए, और एक भी लोग गलत ना करियो इस सवाल को, क्योंकि पाप पड़ेगा गलत करोगे तो। 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, हैप्लॉइड पूछ रहे डॉक्टर साहब, हैप्लॉइड नंबर ऑफ, मेगास्पोर मदर सेल, नो, एग सेल एंटीपोडल, बिल्कुल सही, 44 का बी। Which one of the following statement is not true? Pollen grain are released from the anther at the two celled stage. 45. बिल्कुल होता है, maximum तो इसी से होता है, 60%. Sporogenous cell directly behaves the megaspore mother cell. बिल्कुल ठीक है. Megaspore divides twice to form 8 nucleate embryo sac. Twice नहीं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ. ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर हो जाएगा 45 का, सी आंसर हो जाएगा, तीन बार डिवाइड कर रहा है, एक से दो आया एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, है ना, तो आंसर सी रॉन्ग। 46, एग ऑपरेटस ऑफ द एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, एग ऑपरेटस में क्या होता है, एक एग दो सिनर्जेट, एक एग दो सिनर्जेट, ठीक है, वन सेंट्रल सेल टू सिनर्जेट एंड थ्री एंटीपोडल्स, ये भी ठीक है, कह रहे हैं, कह सकते हैं आप 46, लेकिन अपना पढ़ते हैं जो हमें मतलब है, बस बी आंसर से, है ना, 46 का बी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन कर।
तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया 47 का बी आंसर। एक्चुअल में एक फ़ोन आ गया था, मैं चार बार फ़ोन काट चुका था और चारों बार भाई साहब मिलाए जा रहे थे, पता नहीं। और जब मिलाया तो वाई नॉट सी सर। ओके, किसमें चंद्रिका जी, किसमें पूछ रहे हैं वाई नॉट सी? प्लीज़ कंफर्म, किस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वाई नॉट सी, जल्दी बताइए, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। आई थिंक 47 में ही कह रहे होंगे या जिसमें भी कह रहे हों, जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़ें। फिलहाल हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, ड्राई होगा तभी आसानी के साथ। चंद्रिका जी मैंने आप ही से पूछा है, किस सवाल में पूछ रहे हैं, वाई नॉट सी? चलिए 46 में, ओके ओके, जस्ट वेट। देखिए वाई नॉट सी, क्योंकि देखिए एग ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं ना, थ्री एंटीपोडल्स तो ये नहीं होंगे ना, ये इसमें नहीं होते हैं, ये एग ऑपरेटर्स का पार्ट नहीं है। एग ऑपरेटर्स दूसरा है ना, एग ऑपरेटर्स दूसरी बात है और एंटीपोडल्स दूसरा कंटेंट है, वो पूरा कंटेंट को नहीं बोलते हैं, सिर्फ टू सिनर्जिड वन एक्सेल को ही एग ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। 47 भी हो गया। और आइए 48 में, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन, सब समय थोड़ा तेज बढ़ना है। टेप्टम नरिसेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ओके। हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ओके। इन एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हायसिंथ, वाटर लिली एंड पोलिनेशन इज बाय वाटर, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, गलत है ये। वाटर लिली और वाटर हायसिंथ में पोलिनेशन वाटर से नहीं होता। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसिलस इज डिप्लॉयड, बढ़िया है बच्चों, बढ़िया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, जल्दी से आंसर 48 का हमको बता दो, आगे हम बढ़ जाएं 48 का, और फोर्थ भी सही है, तो फर्स्ट फोर्थ, तो आंसर इज बी, क्या होगा बच्चों, बी। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ बिकॉज दैट आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, 49 का, ठीक है ठीक है ठीक है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेन, बिल्कुल भैया कोई नहीं तोड़ सकता। पॉलन ग्रेन आर वेल रिप्रेजेंटेड इन फॉसिल स्टेटा ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, पॉलन वॉल्व हैज द कैविटीज कंटेनिंग प्रोटीन, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 50, व्हाट इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड के लिए क्या करेक्ट है, करेक्ट 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 करेक्ट, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्मॉल रुडिमेंटरी सीड शेप कॉटेड नोन एज स्कूटुलम, स्मॉल तो नहीं लिखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो लार्ज लिखा हुआ है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन द सीड कॉल्ड कोलियोप्टाइला, कोलियोप्टाइल सॉरी, प्लूम्यूल में कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल में, रेडिकल जो है कोलियोराइजा में, तो ये ठीक है सर, अच्छा लग रहा है ये। सीड कोट इज नॉट फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, नो, मेज में बिल्कुल चिपका होता है। और आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो एज अ स्टार्ची लेयर, इंडोस्पर्म सेपरेट द स्टार्ची लेयर, स्टार्ची नहीं प्रोटीनेसियस लेयर, तो डी भी गलत हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नाइस क्वेश्चन, ग्रेट, इतना देर पढ़ना पड़ा, अच्छा सवाल। चलिए 51, इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर द सीड जर्मिनेशन या सीड मैचुरेशन, अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो अब इंडोस्पर्म तो मिलेगा नहीं, यानी कि आपसे वो कॉटिलेडन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉटिलेडन पूछ रहा है, तो कैस्टर की वजह से छोड़ दो इसको, कोकोनट की वजह से छोड़ दो इसको, और सी की वजह से इसको आंसर कर दो, प्री ग्राउंड नट और बीन, इसमें सब में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, कॉटिलेडन मिलेगा। इन डायोसियस प्लांट मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर बॉर्न बाय द सेम प्लांट, डायोसियस प्लांट की अगर हम बात करें, डायोसियस प्लांट की अगर हम बात करें, तो डायोसियस में क्या होता है, दो अलग इंडिविजुअल, एक इस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक इस पे, मेल फीमेल बॉर्न सेम प्लांट, नो, बॉर्न ऑन द सेम फ्लावर, क्या कह रहे हैं सर, डिफरेंट प्लांट में बॉर्न करेगा, डिफरेंट प्लांट में बॉर्न करेगा, है ना। ए फ्रूट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, ए प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ पिस्टिल एंड बॉडी दैट कंटेन सीड, चलिए आंसर बताइए। और एक सवाल और चाहिए होगा कि प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, इसका भी आंसर चाहिए होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ ओवरी क्या होता है, दोनों का आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ूं।
आंसर नहीं बताना है मुझे, रिजल्ट चाहिए जो मैं पूछ रहा था वो बताइए। ओबरी का एम्ब्रियो और फ्लावर का फ्रूट। गलत। फ्लावर का रिजल्ट, प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर हमेशा सीड होता है, याद रखना। ये एक जनरल आंसर है, इसको याद रखना, ये बहुत छोटी क्लासेस से आपको याद रखना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का रिजल्ट सीड है, फ्लावर का रिजल्ट जो फ्लावर का प्रोडक्ट आएगा वो भी सीड ही आएगा, और जो फ्रूट है डॉक्टर साहब ये ओबरी का रिजल्ट है। आप सोच सकते हैं सर ओब्यूल का रिजल्ट है फ्लावर कहीं ना कहीं हमारा सीड, बिल्कुल सही बात है, बट आप फ्लावर का जो प्रोडक्ट है नहीं, हम सीड बोलेंगे सिर्फ। असल में छोटे क्लासेस में बहुत क्लियर कट ये बात मेंशन है, तो आप उसको भी याद रखिए, उसे भी इतना इग्नोर ना करिए। बिल्कुल वो सारी बातें ठीक हैं, सीड एंड प्रोडक्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एम्ब्रियो, लेकिन मैं इस पर भी सहमत नहीं हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ओवरी इज द फ्रूट। ओके, तो याद रखिएगा जो मैंने कहा है वो प्लीज़ रिटेन रखना, आपको फ़ायदा करेगा। डिपोजिशन ऑफ छोटे और अपर दोनों क्लासेस में, मतलब लोअर और अपर दोनों में, द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब फ्लावर अलग है डॉक्टर साहब और प्लांट सेम है, तो क्या बोलोगे आप इससे? जीटिनोगैमी बोलोगे, है ना? क्या बोलोगे? जीटिनोगैमी। बढ़िया सवाल, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्रूट फ्रॉम ओवरी, नॉट बैड, सही कह रहे हैं। पॉलिनेशन व्हिच अकर्स इन क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर बिल्कुल सर चढ़ के बोलना चाहिए, ऑक्जेलिस एंड कैमेलाइना और क्लिस्टोगैमी। ऐसे सवाल तो कोई गलत ही ना करा पाए, इतनी प्रैक्टिस हो गई है फिर भी गलत करे तो फिर क्या कहूँ मैं। 56, द एग्जाइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेडअप ऑफ, अगर हम पॉलन ग्रेन के एग्जाइन की मेडअप करने की बात करें तो किससे बनता है? स्पोरोपोलिनिन। भैया स्पोरोपोलिनिन किससे बनेगा? स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। चलिए 57, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। देखिए बार बार आपसे पूछ लिया गया, पैक्टोसेलुलोज कहते हैं ना। चलिए 58, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। बिल्कुल सिंपल से डिफिनेशन, एंथर से स्टिग्मा में अगर हम पूछें तो। 59, व्हाट इज करेक्ट? आइसोगैमीट्स प्रोडक्शन इन क्लेडोफोरा, ठीक है। हेट्रोगैमिट प्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमिट प्रोडक्शन इन फ्यूकस, नो। बी आंसर होना चाहिए, 59 का ये भी सीख नहीं लग रहा है, इसमें भी गड़बड़ी है कुछ, ए आंसर होगा। क्लेडोफोरा में तो पक्का होमोगैमिट है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, कॉल्ड मोनोसियस और ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल कॉल्ड डायोसियस। क्या बोलेंगे? डायोसियस। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट आर, अगर हम 60 में बात करें, सम एग्जाम्पल्स ऑफ 60 में मोनोसियस प्लांट आर कुकरबिट्स एंड कोकोनट, एंड डायोसियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पम। अब आंसर कर दो, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एक बढ़िया सवाल है ये, इट गुड क्वेश्चन। 61, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट व्हिच मे बी ग्रुप्ड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर, प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होती हैं, एक क्या? गैमिट का बनना और दूसरा गैमिट का ट्रांसफर होना, तो गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। बच्चों आसान सवाल, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। 62, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच्ड सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। याद रखना, आसान सवाल है ये जुवेनाइल फेज। 62 का ए। 63, इफ यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना सम ऑफ द देम सच एज, भैया एक आंसर यहां पे है, स्टोवेलेंथस कुंथियाना फ्लावर वंस इन 12 ईयर। स्टोवेलेंथस कुंथियाना नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ये 150 से 100 साल में करता है, इसलिए गलत है, इसके साथ ऐसा कुछ है नहीं, तो आंसर इज बी। पिछली बार 2018 में फ्लावरिंग हुई थी और एनसीआरडी के अकॉर्डिंग 2006 में हुई थी। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर आर आइजा बडेटो, राइजम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेब, लीप बर्ड ऑफ पेपरफिलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हैकेंथ एंड बर्ड्स ऑफ हाइड्रा। बिल्कुल सही है और सारे के सारे ऑप्शन हमारे एकदम फिट एंड फाइन, ठीक है।
चलिए 65. इम्प्लांट्स द स्ट्रक्चर सच एज रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. बिल्कुल ठीक है. गिविंग या कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स फॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोडक्शन था और सारे करेक्टर उसी केस में दिए हुए थे. 66. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पॉलिनेशन बाई वाटर. वाटर पॉलिनेशन के लिए कौन सा सेंटेंस इसमें सही नहीं है. इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, मेनली मोनोकॉट. ओके. एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हैगेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन. बेटा ये पी छूट गया है. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस एट द सर्फेस ऑफ H2O. देखिए वाटर हैगेंथ में तो वाटर पॉलिनेशन होता ही नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को काउंट ही नहीं करेंगे. पॉलन ग्रेन ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज लॉन्ग एंड रेवन लाइक. बिल्कुल ठीक है. पॉलन ग्रेन ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट इज कवर्ड बाय सिलेजनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट द वाटर वेटिंग, जिससे कि वो भीगे ना. तो बी को तो छोड़ के बाकी वाटर के लिए सारे सेंटेंसेस सही हैं. तो 66 का बी आंसर ही होगा. 7. From the statement given below, the choose the option that are true for typical female gametophyte of a flowering plant. It is 8 nucleated and 7 celled at maturity. 8 nucleate and 7 celled. ठीक है. 7 celled, 8 nucleate. It is free nuclear during development. It is situated inside the integument but outside the nucleus. ऐसा कुछ तो नहीं लगता मुझे 67 में. नहीं गलत है ये. It has an egg apparatus situated cellular end. नहीं. तो सिर्फ दो सेंटेंसेस आपके सही हैं. वन एंड टू आर करेक्ट. बाकी दोनों गलत हैं. अब वो फैक्ट है, आपको बुक में देखना पड़ेगा कि क्यों गलत है. इन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आर, मेजॉरिटी की बात करेंगे तो हेट्रोगैमेटिक, और मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया कौन सा है, वो भी हेट्रोट्रॉफिक है. तो याद ये भी याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, मेजॉरिटी ऑफ द गैमेट आर हेट्रोगैमेटिक. 68 का डी. 69. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड अपॉन, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट किस पर डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल, ये तो मैंने पीछे कहा था भैया. और कैसा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इन विच दैट जायगोट, आगे क्या बनना है, इस पर पढ़ाई डिपेंड करती है. और माहौल कैसा है, इस पर पढ़ाई डिपेंड करती है. सेम केस, जायगोट आगे कौन सी लाइफ साइकिल करेगा, इस पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट, और या फिर उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर. तो ए एंड बी आर राइट आंसर. आंसर इज डी बच्चों. क्या होगा आंसर, डी होगा. 70. How many of the following statement is true for gamete transfer? In the majority of the cases, it is male gamete which is transferred from male, female gamete is stationary. In majority of the cases, male gamete which is transferred and female gamete is stationary. ठीक है. In a few fungi and algae, both male and female gamete क्या हैं? दो के दोनों क्या हैं डॉक्टर साहब? दो के दोनों motile होते हैं. Not bad. सही तो कह रहे हैं. सही तो कह रहे हैं. तो पहला भी सही, दूसरा भी सही डॉक्टर साहब. ठीक है. और हम देखते हैं तीसरा. मीडिया इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट. ओके. लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच फीमेल गैमेट, नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट. चार के चारों सेंटेंसेस आपके सही हैं. 70 का डी. चलो. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एंड ग्रोथ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर अबव स्टेटमेंट. पहली बात तो वो स्टेज कौन सी है, उसके बारे में क्या क्या सही है. तो जुवेनाइल फेज है, इसे वेजिटेटिव प्लांट में कहते हैं. इट इज डिफरेंट ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ओके. इट इज सेम ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो चौथा गलत हो गया. तीन सेंटेंसेस आपके सही हो गए. इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व. अगर हम बात करें, ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन व्हिच डिपेंड अपॉन हैबिटेट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी. किस पर डिपेंड करता है? हैबिटेट पर डिपेंड करता है और इंटरनल फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है. ए एंड बी आर राइट आंसर. ए एंड बी आर राइट आंसर. डी आंसर हो जाएगा. 73. आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू. इन चेस्मोगैमस फ्लावर कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर. बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल से होगा. इन वियोला एक्जेलिस एंड कैमेलिना बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर आर प्रेजेंट. नॉट बैड. विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैव नॉन स्टिकी लाइट प्लांट विद वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा. ठीक है. और तीसरा, फ्लावर ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट ऑफन हैव ए सिंगल ओब्यूल इन ईच ओवरी विद मेनी फ्लावर्स. सिंगल मेनी फ्लावर्स होगा, ये गलत हो जाएगा. तो तीन सेंटेंसेस हमारे यहां भी सही हो रहे हैं, चार सही नहीं होगा. 73 का भी अगेन बी आंसर.
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पॉलन ग्रेन. मेल गैमिटोफाइट है ये, स्पेरिकल स्ट्रक्चर 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट. देखिए तीनों सही हैं पहले के, तो अपने आप चौथा गलत हो गया. इन फैमिली रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी पॉलन वायबिलिटी लॉस्ट इन 30 मिनट्स. नो, ये मंथ्स तक चलती है, मंथ्स तक चलती है. और राइस में और वीट में इसमें 30 मिनट होती है. 75. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ डेहेसेंस ऑफ एंथर. कौन सी ऐसी लेयर है जो डेहेसेंस ऑफ एंथर में इन्वॉल्व नहीं होगी? तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, कौन सी इन्वॉल्व नहीं होगी. तो कौन सी इन्वॉल्व नहीं होगी? टेप्टम इन्वॉल्व नहीं होती बच्चों. क्या होती? टेप्टम इन्वॉल्व नहीं होती. बाकी तीनों डेहेसेंस में और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. 75 का ए आंसर हो जाएगा. चलिए अगला सवाल आपका है, व्हेन एंथर इज यंग, ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट इन द सेंटर, इट इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू, बिल्कुल कहते हैं. और डॉक्टर साहब पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं पोटेंशियल पॉलन मदर सेल. ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसे भी याद रखना, कहते हैं. तो ए एंड बी आर राइट आंसर. तो आंसर आपका सी हो जाएगा. फॉलोइंग द फोर स्टेटमेंट हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट. एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर विद 4 माइक्रोस्पोंजिया एट ईच कॉर्नर एंड 2 इन ईच लोब. ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही तो होते हैं ये. टेट्रागोनल, 4 माइक्रोस्पोरंजिया इन ईच लोब, एक लोब इधर एक लोब इधर, डाइथिकस हो गया ना. चलिए आगे देखते हैं. तो माइक्रोस्पोरंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, बिल्कुल यही तो आपका पॉलन सैक में बाद में कन्वर्ट हो जाता है. ए टिपिकल माइक्रोस्पोरंजिया सराउंडेड बाई 4 लेयर वॉल, 3 प्रोटेक्टिव एंड डेहेसेंस हेल्पिंग एंड 1 न्यूट्रिशनल. ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों सही है. द न्यूट्रिटिव लेयर इज डेंसली साइटोप्लाज्मिक एंड विद मोर देन 1 न्यूक्लियस. तो सबके सब सही लग रहे हैं भैया 77 में. बोलिए 77 में आपके सारों चार के चारों सही हैं. चलिए 78. एटिपिकल अगर हम बात करें, एटिपिकल स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर. एंड द फिलामेंट एंड एंथर, पहली बात तो फिलामेंट और एंथर हमारे पास सिर्फ एक आंसर है. एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस, किससे जुड़ा होता है? थैलमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. बच्चों एक सवाल कमेंट में मुझे आंसर चाहिए होगा कि थैलमस इज द पार्ट ऑफ, जल्दी से आंसर बताइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, समय कुछ भी लगे. थैलमस इज द पार्ट ऑफ, सवाल तो पीछे वाला होगा कि फिलामेंट और एंथर आके थैलमस से जुड़ जाता है या तो फिर पेटल से जुड़ता है. तो बी आंसर हो गया 78 का, बट थैलमस इज द पार्ट ऑफ, इसका आंसर चाहिए. जल्दी करें, जल्दी करिए, समय कम है और सवाल अभी 20 करने हैं, और 20-25 सवाल और हैं. जल्दी बताइए आंसर भाई आप लोग. नहीं आ रहा आंसर, कुछ भी ऑप्शन आप हैं, कोई भी आंसर कर सकता है. गलत है रुद्र, आप लोग आंसर करते रहिएगा, हम लास्ट में बता देंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ द फ्लॉरिंग, कौन सा फ्लॉरिंग का फिनोमेना नहीं है, जुड़ा नहीं है उससे? अब फ्रूट इन एप्पल, क्या सर जी दिमाग लगा रहे हैं एडिशनल. 79 में आंसर बताइए. चलिए डिसीजन फॉर फ्लॉरिंग टेक्स प्लेस मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर अपीयर. ठीक है, होता है, बहुत पहले ही हो जाता है. देख लीजिए एक छोटा सा सवाल आपको फंसा रखा है, सिंपल सा मैं आपको बता दूं, ये ओवरी का पार्ट नहीं है, ये फ्लावर का पार्ट है. क्लियर कट सुन लीजिए, ये ओवरी का पार्ट नहीं है, ये फ्लावर का पार्ट है और यही सही आंसर है. ठीक है, बाकी सारी बातें बेकार है.
चलिए फ्लावर का पार्ट है, ऑप्शन में रहेगा ओबरी का पार्ट है या फ्लावर का पार्ट है, इसीलिए कहीं मैंने क्वेश्चन देखा था इसलिए पूछ लिया। चलिए सेकंड है हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, बिल्कुल ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन टेक्स प्लेस 79 में, तो इस वजह से हो सकता है। फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैंने पीछे ही कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। बच्चों एक लाइन में याद रखो, फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ थैलमस इज अ पार्ट ऑफ, अपने आंसर को जस्टिफाई मत कराओ, फ्लावर बोलना था। 80 वो अलग बात है, वो सीड सिस्टम का पार्ट। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, कोलियोप्टाइल लीफ प्राइमोर्डिया इंक्लोज इन द होलो फोलियर स्ट्रक्चर, कोलोराइजा अनडिफ्रेंशिएटेड सीथ इंक्लोजिंग रेडिकल एंड रूट कैप, स्कूटेलम कॉटिलेडन इज ग्रास फैमिली एंड इपीब्लास्ट ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद डाइकॉट एम्ब्रियो। 80 का देखिए, ये डाइकॉट एम्ब्रियो से नहीं एसोसिएट कर रहा है, ये मोनोकॉट में ही पाया जाता है और ये दूसरा कॉटिलेडन था जो अब रोमिनेंट हो गया है, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये एसोसिएटेड, ये इनकरेक्ट है। आगे आइए, जो कहा है वो याद रखिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एपोमेक्सिस, कौन सा एपोमेक्सिस के लिए सही नहीं है। इन सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली एस्टेरेसियन ग्रासेस सीड आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एपोमेक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये भी ठीक है, दोनों सही है। गैमेटोफाइट सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड्स इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, गैमेटोफिटिक सेल्स सराउंडिंग द, नो ये नहीं है। 105 है चंद्रिका जी, तो ये गलत है। और इफ फाइब्रिड आर मेड एपोमेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड, और शक्ति आज मैंने 100 ही मेंशन किया है जबकि 105 है, याद रखना वो सीक्वेंस ही मेंशन किया जाता है ना, कोई देखे तो थोड़ा खराब ना लगे, है ना। चलिए 81 में सी छोड़ के बाकी सब सही है। चलिए भैया 82, फॉलोइंग आर द फोर स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। ल्यूपिन सीड है डॉर्मेंसी 10,000 ईयर, सीड ऑफ डेट पॉम डॉर्मेंसी 2,000 ईयर, ऑर्किड पैरासिटिक स्पीसीज और अवंकाई स्टिग आर द फ्रूट कंटेनिंग 1,000 ऑफ सीड इन बनाना सीडलेस फ्रूट और देयर पार्थेनोकार्पी, सब तो ठीक लग रहा है, चार के चारों सही है। 84 का, 82 का सी, ठीक है 82 का सी। 83, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट, बहुत से एडवांटेज देता है ये एंजियोस्पर्म को एक्सेप्ट। फॉर्मेशन ऑफ सीड इज मोर डिपेंडेबल, ठीक है। हैव बेटर अडॉप्टिव स्ट्रेटजी, जनरेट्स न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक्सपोज्ड एम्ब्रियो टू बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर डॉक्टर देखना दिखाना मोह माया है तो डॉक्टर बनने की क्या ज़रूरत है, गांव में भी तो रह सकते हैं, सिंपली खेती कर सकते हैं, वहीं रहें, एडवांसमेंट की ज़रूरत क्या है, सिर्फ डॉक्टर बनने से ही थोड़ा ज़िंदगी, तो ये भी तो मोह माया ही हुआ ना एक प्रकार से। अफजल जी छोड़ दीजिए, आपके सवाल का जवाब है सिर्फ और कुछ नहीं। सिस्टमैटिक सिस्टम इज इम्पोर्टेंट थिंग, देखना दिखाना मोह माया है, तुम ना कभी सुधरे थे ना सुधरे हो ना सुधरोगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, बट भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चलिए 83 की बात हो गई, 84 में आइए। 84 में अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, बताइए जल्दी से। अब जल्दी आंसर बताइए जल्दी से भाई, आइए। बैगिंग इमस्कुलेशन क्रॉस पोलिनेशन या रीबैगिंग, या इमस्कुलेशन बैगिंग क्रॉस पोलिनेशन रीबैगिंग, बोलिए जल्दी से, आइए जल्दी आइए। फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्पोरोपोलन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, बताइए आंसर। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली,
यस सर, मोहम्मद सैफ। बोलिए आंसर 85 का, जल्दी से। देखिए लिख रहे हैं, एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन आर नोन सो फॉर। स्पोरोपोलिन को तो कोई एंजाइम डिग्रेड कर ही नहीं सकता, इसलिए सी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगले सवाल पे आइए, 86। अफजल जी ने क्या आंसर किया है 85 में? डी। का है भैया अफजल जी? 85 का डी का है कर रहे हैं, सी करिए ना। हाँ और क्या, सी करिए, सी करिए, सी करिए, गलत गलत करते हैं, फिर से करिए सी। चलिए ये देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा हम आपको हिंट करेंगे, तब से आपसे सवाल लग पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं आपको बच्चों। मैं इसको देख के आपको क्लियर करता हूँ, एक सेकंड रुको बस, आप एक सेकंड रुका, ठीक है एक सेकंड, आप जब तक हो पाता है वो करो, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको इसको सही कर दिया जाए। अफजल नकल नहीं कर सकते, अफजल बदमाशी कर सकते हैं, लेकिन अफजल गलत काम नहीं कर सकते। बदमाशी कर सकते हैं ये मैं मान सकता हूँ, बट गलत काम नहीं कर सकते ये मैं कभी नहीं मानूंगा। अफजल इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो गलत काम नहीं कर सकते, चलिए बदमाशी कर सकते हैं। चलिए बच्चों 86 में एक्चुअल में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअल में ए है बेटा, ठीक है, और ये कम दिख रहा था थोड़ा, ये बी है, और इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये सी है। सवाल बहुत अच्छा था ये। अब चूंकि कुछ चीज़ें छुपी जाती हैं तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता बेटा। ये आपका क्या है, ये आपका डी है, और इन दोनों को पूछा है, इन दोनों को, और ये ई है, ठीक है, ये ई वाला है। अब आप इसको कर लो अपने हिसाब से, और 86 का आंसर जो होगा वो ए वाला जो आपका है, नहीं वो एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा, ए वाला आपका स्टिग्माटा है, एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए मैंने इसको लिया है, और आपका ये जो बी वाला है ये नोड है, और ये सी वाला जो है ये स्कूटेलम है, और ये आपका एंथीडियम कह सकते हैं, है ना, और नहीं, डी ना करो भाई। और ये वाला आपका क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस की बात करें, अंदर वाला स्ट्रक्चर है, तो ये सी वाला है। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि एनसीईआरटी को एक बार खोल के जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे कहा है उसको देख लेना, ये सवाल बहुत अच्छा बन सकता है एग्जाम के लिए। 87 में आइए साहब, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व द फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन टू सेल पे स्टेज होता है, और अगर आप 87 में डी ऑप्शन चेक करें तो चलाजर रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द फाइलामेंट और विल, नहीं बिल्कुल गलत है ये, ओब्यूल और फ्यूनिकल के बीच का चलाजा पार्ट नहीं होता है, क्या होता है आप देखते रहिएगा। 89, 88 लेवल्ड ए बी सी डी, ये वाला क्या है हमारा, ए है, ये वाला क्या है सी है, और ये वाला क्या है डी है, और ये वाला क्या है बी है। मैं क्लियर कट लिख दे रहा हूँ दोबारा, जिससे आपको करने में आसानी रहे। तो क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा एंटीबॉडल्स, बी क्या हो जाएगा बी सेनर्जिड, सी क्या हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, और डी क्या हो जाएगा एग सेल, है ना, तो सी आंसर हो जाएगा। थैंक यू चंद्रिका जी, बिल्कुल अच्छा सवाल था, इसलिए आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद हम कर सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना। 89 इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज, मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, और तीन सेल होगा इसमें, सॉरी तीन सेल होंगे और तीन न्यूक्लियस भी होगा, है ना, तो तीन सेल तीन न्यूक्लियस, आंसर इज सी। लेबल्ड ए बी सी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स, ए बी सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स, ए बी सी रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स, तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, बी वाला एंडोथीशियम, सी वाला पॉलन ग्रेन, तो ए आंसर हो जाएगा बच्चों। स्टिग्माटा होता है, नेट पे सर्च मारो डिटेल मिल जाएगी, मोहम्मद शेफ पढ़ाया है क्लास में, और नहीं क्लियर है तो नेट पे सर्च मारो डिटेल में, सिर्फ उसको जो पार्ट को बोलते हैं ना, जो उसके नीचे वाले, उस पर कुंडिया बनता है, उसमें कई नाम है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंतित मत हो, पूछ लिया गया है तो करना पड़ेगा। 91 में आपके पास जो ए है आपका, दिस इज द एलोरॉन लेयर, क्या है डॉक्टर साहब एलोरॉन लेयर, तो ए एलोरॉन लेयर, ए एलोरॉन लेयर, डी आंसर कर दिया, फटाक से हो गया, ऐसे करते हैं जल्दी से, टेक्निकल आप लोग हैं उसको लगाते रहा करिए। और बी वाला आपका क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म, और सी वाला क्या हो जाएगा स्कूटेलम सीड सेप, है ना साहब। चलिए 92 पॉलन ग्रेन इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, ए मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, पार्सली डेवलप मेल गैमेटोफाइट,
यहाँ पे ए भी कर सकते हो, बट सी मोर प्रेफरेंसेबल आंसर है। और इसे पार्सली डेवलप क्यों कह रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये बात बिल्कुल अंदर तक उठ रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर यानी कि टू सेल्ड स्टेज का होता है ये, कितने परसेंट में, 60% एंजियोस्पर्म में, तो इसलिए इसको आंसर किया जाता है। बिल्कुल दुखी मत होइएगा। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल लेयर, सबसे बाहर एंडोथिश, सबसे बाहर बिल्कुल, तो एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो सबसे, आप जरा जल्दी से पढ़िए इसके सवाल ऑप्शन को, तब मजा आएगा। एंडोथीसियम लाइज इनर टू द मिडिल ईयर, नो। टेप्टम लाइज जस्ट इनर टू द एंडोसिट, नो। टेप्टम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, नो। तीनों गलत है, तो अपने आप डी आंसर हो जाएगा। मिडिल लेयर लाइज बिटवीन इंडोथीशियम एंड टेप्टम, सबसे बाहर आपकी कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस, देन इंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेप्टम। तो आंसर इज डी। एक बढ़िया सवाल, एक बढ़िया सवाल, टेक्निकल क्वेश्चन, नीट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी सर जी, 93 का डी, 94। मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्विंग इन द डिवाइडिंग सेल ऑफ एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, माइक्रोस्पोर एंड एंथर वॉल। नो 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 नो, माइक्रोस्पोर में तो करा ही नहीं पाएंगे, सॉरी 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 सॉरी। डी आंसर, माइक्रोस्पोरोसाइट्स, यानी कि 2N, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन पोटेंशियल मदर सेल की बात कर रहे हैं, तो 94 का डी आंसर हो जाएगा। 95, माइक्रोपाइल अलाउज, क्या अलाउ करता है ये, पॉलन ट्यूब का एंट्री, तो पॉलन ट्यूब टू पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यही अलाउड करता है पॉलन ट्यूब, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है सब। 96 क्वेश्चन आइए जल्दी से। अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट सैक इज, ओके 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 ओके, सीक्वेंस पूछ रहे हैं, तो आर्किस्पोरियम की बात करें डॉक्टर साहब, माइक्रोस्पोरोसाइट, अगर आप जैसे मेगा कैरियोसाइट कह सकते हैं, मेगा स्पोरोसाइट कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट कह सकते हैं, वैसे ही है, 2N होगा। तो आर्किस्पोरियम, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक, बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम इनिशियल होता है ये, शुरुआत में, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट CPMT वगैरह में पूछा जाता रहा है, MP कॉस्टिक मटेरियल में लिया, NCERT ने ऐसी बात करी नहीं है। जो सेल निकल के आता है उसे आर्किस्पोर इनिशियल कहते हैं, और उसके बाद जो बनता है वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ए आंसर होगा। तो आप यहाँ से जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम्ब्रियोसैक, मैं एक स्टेप पीछे आपको ले जाके बता दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा 96 का ए। फेदरी स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन, फेदरी स्टिग्मा वीट मोनोकॉट, फेदरी स्टिग्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97, 98, प्रोटेंडस इज, प्रोटेंडस, प्रो मतलब पहले, एंडोसियम मतलब मेल, यानी मेल पहले मैच्योर हो, मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम, नो नो सेम टाइम नहीं, मैच्योरेशन ऑफ एंथर अर्लियर देन स्टिग्मा, बिल्कुल सही, पहले बोला ना, प्रो मतलब पहले, एंडोशियम मतलब मेल, मेल वाला पहले जब मैच्योर होता है उसे कहते हैं प्रोटेंडस कंडीशन, अर्थवॉर्म में ऐसा होता है। चलिए 99, डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नेवास्टीन, लिलियम एंड फिटलेरिया प्लांट में डिस्कवर किया, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में डिस्कवर किया डॉक्टर साहब। 100, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मीन्स फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द न्यूक्लियस विद एग न्यूक्लियस, वाइल फ्यूजन ऑफ अदर मेल न्यूक्लियस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। पीछे अभी बताया भी था कि क्या होता है ये, एक मेल गैमीट दूसरे मेल गैम सेंट्रल सेल के साथ, और दूसरा मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है। जीनिया एंड मेटाजीनिया टर्म्स आर रिलेटेड टू पॉलन एंड एंडोस्पर्म, है ना, अभी पीछे बताया पॉलन एंड एंडोस्पर्म, तो आंसर इज डी। द एंडोस्पर्म फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक सीड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जिम्नोस्पर्म इन द सेंस इन द फॉर्मर, ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है इस बारे में देखते हैं। तो एंडोस्पर्म के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, एंडोस्पर्म हम आपको बता दें, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो एक ऑप्शन है आपके पास बी, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाइल इन द लेटर इट इज़ फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, यही बी आंसर हो जाएगा, और ये एग्जामिनर की पहली पसंद होती है, याद रखिएगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट लगता है एग्जामिनर को। फर्टिलाइजेशन के पहले बनेगा तो जिम्नोस्पर्म में, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा तो एंजियो में। फर्टिलाइजेशन के बाद वाला आपको पता है वीवी पैरी मीन्स, वीवी पैरी क्या मतलब, रिटेन इन द पेरेंटल बॉडी, तो पेरेंटल बॉडी मतलब ये जो शुरुआत होती है वो फीमेल से होती है, तो फीमेल के बॉडी के अंदर ही अगर रिटेन रहे सब कुछ, तो फ्रूट आर नॉट फॉर्म्ड, जर्मिनेशन ऑफ सीड ऑन मदर प्लांट,
फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट डायरेक्टली बाय एम्ब्रियो, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूटलेस, तो बी आंसर हो जाएगा, मदर की बॉडी में ही रुका हुआ है। अपने विविपैरिटी पढ़ा होगा, अपने सीड हेटरोस्पोरी पढ़ा होगा ना, तो मदर की बॉडी से शुरुआत होती है ना, तो 9 and 103 का आंसर बी। 104, व्हिच द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, गैमिट आर डिप्लॉयड, स्पोर्स आर इनवेरिबली हैप्लॉयड, स्पोर्स एंड गैमिट आर इनवेरिबली हैप्लॉयड, बिल्कुल सही, ये हमेशा आपके पास हैप्लॉयड होते हैं, हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। एंथेसिस इज द फिनोमेना व्हिच रिफर्स टू, एंथेसिस किसको बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड की सुरक्षा कौन करता है, तो कैलिक्स करता है, ये भी याद रखना, कैलिक्स फ्लोरल बर्ड जब छोटा होता है फ्लावर, तो उस समय उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है कैलिक्स, है ना, और ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड को एंथेसिस कहते हैं, जो फ्लावर जो खिलता है उसे एंथेसिस कहते हैं। तो आंसर इज बी एट देयर, ये था आज का दोनों चैप्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुश रहिए। आप लोगों से पूछना नहीं चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों दुखी हैं भाई, अफजल जी क्यों दुखी हैं, बड़ा दुख है, सब मोह माया है, काहे का दुख। चलिए मैं भी आपको फ़ोन करता हूँ क्लास के बाद, अभी फ़ोन कर रहा हूँ आपको, वही नंबर है 9721 वाला आपका, अभी फ़ोन करता हूँ आपका, क्यों दुखी हैं बताइए, बताइए जल्दी बताइए। चलिए बदमाशी चल रही है, अभी अभी पूछ ले रहे हैं अभी। नहीं, कुछ सुनाना नहीं है बाबू, आप लोगों को कुछ सुनाना नहीं है, बस इस समय पढ़ते रहिए, बदमाशी है सारी सही हो जाएगी। एक बात है कि हम हो सकता है कि आज से एनसीईआरटी के डिस्कशन के बाद भी सोच रहे हैं, जिसे एनसीईआरटी रिवाइज कराने की बात सोच रहा हूँ, तो पिछले लेक्चर पे हम लोग ये सब चीज़ें तो मुझे आइडिया नहीं है इनका, जो आप कह रहे हैं चंद्रिका प्रसाद जी, मैं अभी फ़ोन पे बात कर लूँगा, कमेंट मत करिए ऐसी चीज़ें, प्लीज़ प्लीज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल कमेंट मत करिए, ये सब देख के अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना, पब्लिकली ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, इट नॉट गुड। मैं अभी फ़ोन करता हूँ अब जल्द में, ठीक है।